मालकिन को यहाँ पे लेके आओ क्या? सिर्फ मालकिन को ही नहीं, रमैया को भी लाना होगा, लेकिन इससे पहले हमें उस भगवान को जान से मारना होगा। वो देखो वो लोग भाग रहे हैं, पकड़ो। उधर से ठीक है, तुम इधर आओ। भगवान, भगवान कहाँ चले गए तुम? भगवान कहाँ चले गए थे तुम? आप कुछ मत बोलो, चुप रहो। भगवान, भगवान कहा ना, आप चुप रहो। छोड़ो, आपको यहाँ कोई डर नहीं। हे भगवान, अब आपको कोई खतरा नहीं। अब अगर वो लोग आएंगे ना तो उन्हें ये दिखा देना, वो जैसे ही इसे देखेंगे ना तो वो यहाँ से भाग जाएंगे। उन्हें देखकर बड़ा मजा आएगा, बड़ा तमाशा होगा। हाँ, मैं वहाँ छुपकर देखता हूँ। वो कहाँ है? किस लिए? इसलिए कि तुम्हें और उसको पिताजी ने लाने के लिए कहा है। हमें लाने के लिए कहा है या हमारी लाश को? क्या कहा? उसने मेरे गले में ये बांधा है। वही वही। Now we are wife and husband. हस्बैंड, हस्बैंड। क्या उसने तुम्हारे गले में बांधा? हाँ। मैं कहता हूँ इसे शराफत से उतार दो और फौरन मेरे साथ चलो। अरे ये क्या? इसका तो कोई असर नहीं हुआ। छोड़ इसे, छोड़ छोड़। तूने भैंस के गले में ये नहीं देखा क्या? हाँ देखा तो। इसे देखकर भी तुझे डर नहीं लगा? क्यों, इसे देखकर मुझे डरना चाहिए? अरे मैं तो, अरे देखो डर रहा हूँ, कितना कांप रहा हूँ मैं। अरे तुम भी कांप रहे हो? हाँ मालिक, हम भी डर रहे हैं। हाँ ये हुई ना बात, डर गए। चलो जाओ यहाँ से। हाँ चलो जाओ, चलो मालिक। भगवान, भगवान, भगवान! 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 भगवान!
अरे एक और बोट है देखो। हाँ भगवान, क्या रे बोट को चारों तरफ लगा दिया, गोदावरी में खेल खेलने आए क्या? तुम्हें कोई एतराज है? रामिया जी। आपने मुझे जो उल्टे हाथ से आशीर्वाद दिया, देखना मैं सफल हो जाऊंगा। ए हसीना तेरी क्या जवानी है, ए रमैया ए हसीना तेरी क्या जवानी है, अरे जवानी है, अरे जवानी। मैं रमैया नहीं हूँ, नानी हूँ। अरे तू क्या समझती है मैं थोड़ी पीली है तो मुझे पता नहीं चलेगा? तू कहेगी मैं रमैया नहीं हूँ, मैं मान लूंगा। मैं यहाँ पर बनाने आया हूँ और अपने बाप को समधी बनाने आया हूँ। छोड़ मुझे, छोड़, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे, समझता नहीं है क्या तू? You listen to me, first time raping, don't disturb me, please cooperate me, okay? तुमने मारा तो मुझे ऐसा लगा जैसे तेरे थप्पड़ से मुझे करंट लग गया। कहीं तू अपने आप को झांसी की रानी तो नहीं समझ रही है? अगर तू झांसी की रानी है तो मैं भी ब्रूस ली हूँ, अब मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये कह रही है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना तू नहीं तेरी लाश जाती यहाँ से। चल निकल।
ठीक है जाता हूँ। पंचायत में तुम्हारी शिकायत करके तुझे गधे में बिठाकर पूरा गांव नहीं घुमाया तो मेरा नाम भगवान नहीं। भैया ऐसा मत करना। क्यों? इनकी तो कोई इज्जत नहीं। अगर ये बात 10 लोगों के बीच में आई तो दादाजी की क्या हालत होगी। प्लीज भैया बोलो मत, प्रॉमिस करो मुझसे कि बताओगे नहीं। मैं किसी को नहीं बोलूंगा, वादा करता हूँ।